घंटे से नदी में तैर रहा था मुर्दा। पुलिस ने हाथ पकड़कर खींचा तो जिंदा हो गया। पुलिस के हाथ लगाते ही मुर्दा बोला, कहां ले जा रहे हो साहब? अभी मैं जिंदा हूं, गर्मी की वजह से पानी में सो रहा था। पास खड़े लोगों की छूट गई हंसी। लोग बोले, अजीब आदमी है यार, हम तो समझे कि गुजर गया। सुनसान इलाका, नदी में पानी की तेज लहरें और उसी नदी के किनारे पानी में पड़ा था मुर्दा, जो पिछले 8 घंटे से ऐसे ही पड़ा था। कुछ लोगों ने देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन वहां जो हुआ वो हैरान करने वाला था। पुलिस पानी में पड़े मुर्दे को बाहर निकालने के लिए उसके पास जाती है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ कर खींचती है, अचानक मुर्दा जिंदा हो जाता है और पुलिस वाले का हाथ छुड़ाकर कहता है कि अरे अरे, कहां ले जा रहे हो? फिर क्या, नजारा देख पुलिस के पसीने छूट जाते हैं और वहां मौजूद लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये कौन सी बला है। लेकिन ये हुआ कैसे, कहानी क्या है, आखिर पुलिस के हाथ लगाते ही मुर्दा जिंदा कैसे हो गया? बारीकी से बात को समझते हैं। दरअसल ये कहानी है तेलंगाना की, जहाँ पुलिस के साथ एक अजीब घटना घटित हो गई। यहाँ पुलिस को सूचना मिली कि एक तालाब में सब पड़ा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह करीब 8 घंटे से तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचते ही मौजूद लोग तालाब में पड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। लोगों ने बताया कि तालाब में सुबह करीब 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी की, फिर सबके करीब पहुंची और तालाब में पड़े शख्स का हाथ पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे बाहर की ओर खींचा, तभी उसमें हलचल हो गई। वह उठकर बैठ गया, फिर पुलिस से हाथ छुड़ाकर खड़ा हो गया। यह नजारा देख बाहर खड़े लोग और पुलिस भौचक्के रह गए। वह शख्स भी पुलिस और भीड़ को देखकर घबरा गया, जिससे सभी लोग हैरानी में थे कि करीब 8 घंटे से बेसुध मुर्दे की तरह पड़ा शख्स एकदम से सही हालत में कैसे हो गया। हालांकि उसने पहले पुलिस से अपने हाथ छुड़वाए, फिर अपने मुंह पर पानी डालकर धोया। उसे खींचने वाले पुलिसकर्मी ने भी अपने हाथ पर पानी डलवाया। वह जब तालाब से बाहर निकला तो मौजूद लोगों ने उसे तालाब में लेटने का कारण पूछा। पहले तो वह शख्स थोड़ा घबराया, फिर तालाब में लेटने की वजह बताई। पुलिस के मुताबिक तालाब में लेटा शख्स आंध्र प्रदेश के नोलूर जिले का रहने वाला है। वह काजीपेट के डीजल कॉलोनी में रहता है और एक ग्रेनाइट की खदान में काम करता है। इस व्यक्ति का कहना है कि वह इस भीषण गर्मी में लगातार रोज 12 घंटे काम करते हुए बहुत थक गया था। इसकी वजह से गर्मी और थकान से थोड़ा आराम पाने के लिए तालाब में आकर लेट गया। इसी दौरान उसे गहरी नींद आ गई और वह सो गया। इस घटना के बाद लोग हैरत में हैं कि भला कोई पानी के अंदर इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है। खैर, अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।